हाय दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग में। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा कड़ी, तो आप सब वीडियो पर बने रहिए, चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए काली मिर्च, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और बारीक कटे हुए प्याज डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब हमें कढ़ाई गर्म होने दे देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें बॉईल किए हुए अंडा डालना है। इसको सुनहरा होने तक भूनते हैं। देख सकते हैं वो सुनहरा हो चुका है। हम बॉईल किए हुए छोटे छोटे आलू भी डाल दिए थे और उसे भून लिए थे। अब डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो फिर से हम कढ़ाई को गर्म होने देते तेल डाल के। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालते हैं। सुनहरा होने तक भूनते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा टेस्टी आता है दोस्तों, एक बार जरूर बनाएंगे। अब इसमें टमाटर डालते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अच्छी तरह से टमाटर को हम पिघलने देते हैं। नमक डाले इस पहले इसलिए क्योंकि ये अच्छा से पिघल जाएगा। देख सकते हैं टमाटर कितना अच्छा पिघल गया है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम पेस्ट किया हुआ मसाला डालते हैं। और अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं जब तक कि तेल अच्छी तरह भून है। देखिए तेल ऊपर आने लगा है, मतलब ये भून चुका है। अब कटा हुआ जो हमने आलू रखे थे वो भी डाल दिए जो भून के रखे थे। कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें पानी डाल देना है थोड़ा सा। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए ढक देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है, सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें फ्राई किया हुआ अंडा डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब हमारा सब्जी बनके तैयार है। तो हरी धनिया के साथ थोड़ा सा डाल दीजिए, इससे और अच्छा कलर और टेस्ट बढ़ जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।